नमस्कार, मैं अपूर्वा बनर्जी और आप देख रहे क्रेडिट कार्ड सही। क्रेडिट कार्ड हर एक इंसान के लिए अलग अलग एक्सपीरियंस जनरेट करता है। किसी के लिए क्रेडिट कार्ड के साथ जर्नी बहुत ही स्मूथ होती है, बहुत ही अच्छी होती है, तब किसी और के लिए क्रेडिट कार्ड उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं देता है। ये मोस्टली डिपेंड करता है कि आप अपना क्रेडिट कार्ड किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने बहुत लोगों को देखा है जो अपने क्रेडिट कार्ड को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं, गलत तरीके से करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आप अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल सही तरीके से कैसे करेंगे और कुछ मिस्टेक्स के बारे में आपको बताएंगे जो कि आपको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। तो मिस्टेक नंबर 1, नॉट कंसल्टिंग और टॉकिंग टू योर कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बिफोर पेइंग योर एनुअल फीस। देखिए, क्रेडिट कार्ड दो तरीके के होते हैं। पहला ये जो फ्री होता है लाइफ टाइम, एनुअल फी नहीं भरना पड़ता है, और दूसरा जिसमें आपको एनुअल फी भरना पड़ता है। 70% लोगों को पता ही नहीं है कि वो अपने एनुअल फी को नेगोशिएट कर सकते हैं। और सिर्फ एनुअल फी ही क्यों, कई सारे फी को आप नेगोशिएट कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना होता है। जब आपका क्रेडिट कार्ड रिन्यूअल के लिए जाता है, तब आप अपने कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात करें और उन्हें कहें आपका फी माफ़ करने के लिए। बैंक अक्सर ऐसे फीस माफ़ कर देती है क्योंकि बैंक को भी अपने कस्टमर्स को रिटेन करना होता है। दूसरा मिस्टेक, नॉट इंक्रीजिंग योर क्रेडिट लिमिट। हमारा ये मिस्टेक वाला सजेशन जो है वो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपने क्रेडिट लिमिट का अपने स्पेंडिंग्स पे ध्यान रखते हैं। उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जिनका कोई ध्यान ही नहीं है अपने क्रेडिट लिमिट की तरफ। वह क्रेडिट लिमिट बढ़ाना सुनने में अटपटा लग सकता है। लोग कहते हैं कि क्रेडिट लिमिट अगर बढ़ेगा तो आपके खर्चे भी बढ़ते जाएंगे, पर ऐसा नहीं है। अगर आप एक रिस्पॉन्सिबल कस्टमर हैं, आपको पता है आप कहाँ कितना खर्चा करेंगे, आपको पता है अपने स्पेंडिंग्स के बारे में, तो क्रेडिट लिमिट बढ़ाना एक्चुअली एक अच्छा ऑप्शन है। क्यों? मान लीजिए कि आपका क्रेडिट कार्ड का लिमिट है 50,000 रुपये। आप उस पर हर महीने 20,000 रुपये का खर्चा करते हैं। इसका मतलब 40% ऑफ द क्रेडिट लिमिट आप यूज करते हैं। अब अगर आपके कार्ड का क्रेडिट लिमिट हो जाए 5,00,000 रुपये और आपका जो खर्चा है वो 20,000 रुपये का, तो फिर आपका जो क्रेडिट लिमिट यूजेज होगा वो होगा 4% का। 4% यूटिलाइजेशन काफ़ी बेहतर होता है 40% यूटिलाइजेशन से। इससे आपके क्रेडिट स्कोर पे भी अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। Third mistake, not asking for an upgraded credit card after 1 to 2 years. Bank शुरुआत में अपने किसी भी customers को एक premium credit card नहीं देती है। शुरुआत में ही वो borrower पे इतना भरोसा नहीं जता पाती है। मगर कुछ महीने basic card use करने के बाद आप bank से एक upgraded credit card के लिए मांग कर सकते हैं। अगर आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है इतने महीनों का, अगर आपने डिफॉल्ट नहीं किया है, अगर आपने एक रिस्पॉन्सिबल कस्टमर होने का पार्ट प्ले किया है, तो बैंक बिना हिचक के आपको क्रेडिट कार्ड दे देगी, वो भी एक अपग्रेडेड वर्जन। फोर्थ पॉइंट, नॉट यूजिंग योर रिवॉर्ड पॉइंट्स। 40% ऑफ द पीपल हु यूज क्रेडिट कार्ड डू नॉट रिडीम देयर रिवॉर्ड पॉइंट्स। अनबिलीवेबल बट ट्रू। जबकि एक सेक्शन ऑफ पीपल है जो सिर्फ रिवॉर्ड पॉइंट्स के लिए ही क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, तो दूसरा सेक्शन ऑफ पीपल है जो रिडीम ही नहीं करते हैं अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को। हमारी माने तो रिवॉर्ड को जरूर रिडीम कीजिए, इन पॉइंट्स को जरूर रिडीम कीजिए, अच्छे से इस्तेमाल कीजिए, आपको बहुत सारा फायदा मिलेगा। क्योंकि इन रिवॉर्ड पॉइंट्स का एक्सपायरी डेट होता है, इसीलिए यू शुड ऑलवेज चेक एंड रिडीम दीज रिवॉर्ड पॉइंट्स टाइमली। टोटल अमाउंट के साथ साथ मिनिमम ड्यू अमाउंट भी उस पर मेंशन होता है। आप मिनिमम ड्यू अमाउंट भी भर सकते हैं, मगर तभी भरे जब आप पूरा पैसा ना भर पाए। क्योंकि मिनिमम ड्यू अमाउंट भरने से आपको काफ़ी सारे चार्जेस भी देने पड़ते हैं, और ये अमाउंट आपके अगले महीने के बिल के साथ जुड़ता ही जाता है। इसीलिए मिनिमम ड्यू अमाउंट
तभी भरे जब आप श्योर हो कि अगले महीने आप पूरे अमाउंट का भुगतान कर पाएंगे। मिस्टेक नंबर 6, क्लोजिंग एन ओल्ड क्रेडिट कार्ड। क्या होता है, कभी कभी नया क्रेडिट कार्ड लेने के चक्कर में हम हमारे पुराने क्रेडिट कार्ड को भूल जाते हैं और फाइनली जाके उसको क्लोज कर देते हैं। आपका जो सिबिल होता है उसमें आपका पूरा क्रेडिट हिस्ट्री दिखाता है, इसीलिए जितना पुराना यूसेज आपका होगा बैंक आपको उतना ही रिलायबल कस्टमर मानेगी। इसीलिए हमारी माने और अपने पुराने क्रेडिट कार्ड को कभी भी क्लोज ना करें। 7th मिस्टेक, ओवर यूटिलाइजिंग और अंडर यूटिलाइजिंग योर क्रेडिट लिमिट। इसमें तो हिसाब बहुत सिंपल है, 1-30% क्रेडिट लिमिट ऑफ योर क्रेडिट कार्ड आपको इस्तेमाल करना चाहिए। 30% से ज्यादा नहीं करना चाहिए, 0% भी नहीं करना चाहिए। 0% अगर आप करेंगे तो आपके बैंक को पता कैसे चलेगा कि आप एक रिस्पॉन्सिबल कस्टमर है भी या नहीं। इसीलिए हमारी माने क्रेडिट कार्ड के क्रेडिट लिमिट को बहुत ही केयरफुली स्पेंड कीजिए। 8th मिस्टेक, अप्लाइंग फॉर टू मेनी क्रेडिट कार्ड्स टू फ्रीक्वेंटली। अब ये ट्रेंड हम उन लोगों में ज्यादा देखते हैं जो नया नया क्रेडिट कार्ड देते हैं। क्रेडिट कार्ड न्यू बेस जो होते हैं, दे कीप अप्लाइंग फॉर मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स एट ओवर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ये अच्छा नहीं है। इससे क्या होता है, बैंक आपको रिस्पॉन्सिबल कस्टमर नहीं मानती है। बैंक मानती है कि आपसे आपके फाइनेंसेस नहीं संभल रहे, इसीलिए आप ऐसा ना करें। इतने फ्रीक्वेंटली इतने अलग अलग क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई ना करें। तो ये तो कुछ बात हो गई, ये कुछ मिस्टेक्स हमने आपको बताया जो आपको ध्यान में रखना चाहिए क्रेडिट कार्ड यूज करते वक्त। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक क्रेडिट कार्ड से ये को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए, वरना ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको कहां से दिखेंगे। हमारे साथ ऐसे ही हमेशा बने रहिए क्रेडिट कार्ड सही है पे। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।